रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज चर्चा करते हैं आपसे कार्तिक मास के 34वें अध्याय की। श्री श्रुति जी बोले, यह पीपल का पेड़ शनिवार के अतिरिक्त सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता है? श्री श्रुति जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले, उसमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी, और विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए थे तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कर दीजिएगा, बाद में मैं आपसे विवाह करूंगी, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी के ऐसे वचनों को सुनकर के भगवान श्री विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी। उसका बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान वाले शरीर, बड़े बड़े नेत्र, रूखे बाल। मार्से उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उनसे विवाह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजते हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद ध्वनि से गूंजित हवंस के पवित्र धुएं से सुगंधित उन ऋषि के मनोहर आश्रम को देख करके वह बहुत दुखी हुई, और उसने महर्षि उद्दालक से कहा कि इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह लेकर के चलो। उनकी बात को सुनकर के महर्षि उद्दालक ने कहा कि यह तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह और कौन सी है, यह मुझे बताओ। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती है, अतिथियों का सत्कार होता है, यज्ञ होते हैं, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती है। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यारे हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, जहाँ पर अतिथि लोगों का सदा निरादर होता है, वह लौट जाते हैं, जहाँ पर वृद्धों को पूजा नहीं जाता है, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता है, और जहाँ पर दुराचारी लोग परिस्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गऊओं का वध होता है, मद्यपान किया जाता है, ब्रह्म हत्या होती है, आदि पाप होते हैं, मैं वहाँ पर प्रसन्नता से निवास कर सकती हूँ। श्री श्रुति जी कहते हैं, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचनों को सुनकर के महर्षि उद्दालक का मन खिन्न हो गया और इस बात को सुनकर के चुपचाप रह गए। थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद उन्होंने देखा कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारे लिए ऐसा स्थान कहाँ से खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान नहीं ढूंढ पाता हूँ, तब तक इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उद्दालक उसे पीपल के नीचे बिठा करके रहने योग्य स्थान, जगह ढूंढने के लिए इधर उधर चल पड़े, लेकिन जब वह वहाँ बहुत समय तक प्रतीक्षा करने के बाद वापस नहीं लौटी तो लक्ष्मी रोने लगी, और उसका बुरी तरह से रोना जब लक्ष्मी ने बैकुंठ में भी सुना तो वह व्याकुल हो गए। उन्होंने दुखी होकर के भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग से अत्यंत दुखी हो रही है। नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप मुझे आश्वासन देने के लिए उसके पास ले चलिए। पत्नी की प्रसन्नता प्रार्थना सुन करके कृपा सिंधु भगवान विष्णु लक्ष्मी को लेकर के पीपल के वृक्ष के पास पहुँचे। वहाँ पर अलक्ष्मी बैठी हुई रो रही थी। उनको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा ही निवास है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और इन्हीं उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होती हैं। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा राज तथा प्रथु और नारद का संवाद
तुमको सुना दिया, जिसके सुनने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब तुमको जो पूछना हो मुझसे पूछ सकते हो, उसे मैं विस्तार में आपको कहूँगा। श्री सूत जी बोले, श्री सूत जी की बात सुनकर के सौनक इत्यादि ऋषि महर्षि थोड़ी देर के लिए प्रसन्न चित्त होकर के वहाँ पर बैठ गए। बाद में श्री बद्री नारायण के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी यह कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, इस संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। इस तरह से यहाँ पर 34वां अध्याय पूर्ण हुआ और 35वें अध्याय की पावन कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इतनी कथा सुनकर के ऋषिवर कहने लगे, हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, तो कृपा करके मुझसे बताइएगा। ऋषिवर की बात को सुनकर के आनंद में मग्न हुए श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनिवर, अब मैं आपके सामने तुलसी की विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर के सुनने का कष्ट करें। जब सूर्य उत्तरायण हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हों और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में व अपने घर में सुंदर मंडप बना करके उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर विधि की रचना करना चाहिए। सात्विक और यज्ञादि करने वाले ब्राह्मणों को विधान के साथ में राग देश आदि रहित होकर के निमंत्रित करें और यज्ञ आरंभ करना चाहिए। मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। मुनीश्वरों ऋषियों के उपस्थित हो जाने पर नंदी मुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात भगवान के शालिग्राम बना करके उनका विधिवत पूजन और पूजन सामग्री को करके बादी में तुलसी को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी की पाणि ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सपत्नी के यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों सात्विकों को सहित भगवान विष्णु की प्रेम के साथ प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ बाजे आदि के भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा जो जाने के बाद यजमान को गौदान सैयादान इत्यादि करता है और दक्षिणा देकर के प्रीति भोज कराता है, भोजन कराना चाहिए। यह सुनकर के सूति जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के सत्य शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान श्री विष्णु को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर के संसारिक सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में भगवान विष्णु लोक को जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी के विवाह की विधि बताई है, इसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि को समझना चाहिए। तो आज से ये कार्तिक मास की जो पावन कथा है, यहीं पर विश्राम ले रही है। आप सभी लोग कार्तिक मास की पावन कथा को सुने, दक्षिणा के रूप में आप अपने भगवान का भजन करिएगा और जो भी दक्षिणा आपको देनी है वो आप भगवत संकीर्तन के साथ में निरंतर भगवान का भजन करिए, यही हमारी दक्षिणा है। आप सभी को जय जय श्री सीताराम। गंगा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।